तो गाइस इस स्टूडियो के अंदर ना जितने भी इनकी फिल्में शूटिंग होती है उनका डबिंग होता है। सामने वो जो गेट दिखाई दे रहा है ना, उस घर में रहती हैं शिल्पा शेट्टी जी। उसके साथ साथ दिव्या भारती और श्रद्धा कपूर भी इसी गली में रहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, वापस से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को सनी देओल सर, बॉबी देओल सर, धर्मेंद्र देओल सर का घर दिखाने वाला हूँ। और इनके घर के जस्ट बगल में है शिल्पा शेट्टी जी, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का। तो आज की इस वीडियो में उनका घर दिखाने वाला हूँ, बस बने रहे आप लोग वीडियो के लास्ट। और साथ में गाइस ये भी बताऊँगा कि ये लोग मुंबई में कहाँ रहते हैं, कैसी बिल्डिंग में रहते हैं, आप भी यहाँ पे कैसे आ सकते हो, ये भी बताऊँगा। तो बस बने रहे आप लोग वीडियो के लास्ट। मैं इधर से आया हूँ इस्कॉन टेम्पल की तरफ से, ये रास्ता चला जाएगा चूहू बीच पे डायरेक्ट। और इधर है सामने वाला, आगे वाला, एकदम सामने वाला घर शिल्पा शेट्टी जी का, और ये वाला घर है हमारे सनी देओल सर का। चलते हैं पास से दिखाता हूँ आप सभी को। तो मेरे पीछे जो घर आप लोग देख रहे हो गाइस, यही है सनी देओल सर और धर्मेंद्र देओल सर जी का घर। देख रहे हो पीछे धर्मपाल जी का उधर पोस्टर भी लगा होगा। तो आप सभी को मैं दिखाता हूँ पूरा बैक कैमरे से अच्छे तरीके से। गाइस ये रहा सनी देओल सर जी का घर, देख सकते हो इधर लिखा है सन्नी बिल्ला हाउस। इसी घर में रहते हैं धर्मेंद्र सर, बॉबी देओल सर, मतलब ये उन लोग का स्टूडियो है, इसमें बहुत कम रहते हैं। उनका दूसरा एक और घर है जूहू में, मैं वो भी दिखाऊंगा, देख सकती हो। और इधर आगे सामने वो जो गेट दिखाई दे रहा है ना, उस घर में रहती हैं शिल्पा शेट्टी जी, देख सकती हो। बाकी इधर राइट साइड कॉर्नर में आप लोग देख सकते हो, इधर देख सकते हो गाइस धर्मपाल जी का इधर पोस्टर लगा है। और ये रहा इनका पूरा घर। इस घर के अंदर भी गया हूँ मैं, और दिवाली में देख सकते हो इस घर को काफ़ी अच्छे से सजाया गया था। अभी यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई हैं। और इधर के साइड हम लोग जाते हैं तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा सर का घर देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोगों से एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वो क्यों वीडियो में बताऊँगा मैं अभी। पहले मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो गली आप लोग देख रहे हो ना, इसी गली में शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा तो रहते ही हैं, उसके साथ साथ दिव्या भारती और श्रद्धा कपूर भी इसी गली में रहते हैं। तो गाइस माफ़ी इसलिए चाहता हूँ कि ये सन्नी पाजी का घर नहीं है, उनका स्टूडियो है। और इसके अंदर क्या काम होता है वो भी बताऊँगा। पहले देख लो ये इनके स्टूडियो के आसपास का नज़ारा है, देख सकते हो पूरा गांव वाला इधर एडवेंचर फील होगा, चारों तरफ पेड़ पौधे, चारों तरफ देख सकते हो आप लोग। तो गाइस ये है स्टूडियो का मेन गेट, आप लोग देख पा रहे होंगे, और इसके बाहर लिखा है इधर सन्नी बिल्ला हाउस। तो गाइस अभी आप लोग जानने के लिए उत्सुक हो गए कि इस स्टूडियो के अंदर काम क्या होता है। तो गाइस इस स्टूडियो के अंदर ना जितने भी इनकी फिल्में शूटिंग होती है उनका डबिंग होता है, डबिंग से लेके एडिटिंग से लेके जितना भी मतलब काम रहता है फिल्मों के अंदर, वो सारा चीज़ इसी स्टूडियो के अंदर होता है, देख सकते हो। बाकी ये है इनके घर के बाहर का नज़ारा जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो यही वाला घर था गाइस सनी देओल सर जी का घर। अभी मैं आप सभी को अक्षय कुमार जी का घर दिखाता हूँ। यहाँ से चलेंगे हम बीच के किनारे, उसके बाद से आप सभी को उनका भी घर दिखाता हूँ। ये रास्ता इस्कॉन टेम्पल चला जाएगा, इधर से हम लोग जाएंगे बीच के किनारे। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ गए हैं जूहू बीच पे। अभी हम लोग इधर से आए हैं बीच, और देख सकते हो ये रहा जूहू बीच। अभी मैं आप सभी को दिखाता हूँ अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन का घर। तो गाइस ये पापा की परी लोग जहाँ पे फोटो शूट और रील्स बना रही हैं ना, जस्ट यहीं पे है अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जी का घर, दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। तो गाइस मेरे पीछे जो ये वाला घर आप लोग देख रहे हो, यही है ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार जी का घर। लॉकडाउन के टाइम में यहीं से निकल के वो लोग थाली बजाए थे, ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना आपको, दिवाली जो दिख रहा है यहीं से। मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आप सभी को दिखाता हूँ इनका घर। देख सकते हो गाइस यही है अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जी का घर, इसी घर में ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार जी रहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा फ्रंट से चल के आप सभी को दिखाता हूँ इस घर को, उसके बाद से मिलते हैं आप सभी से। तो देख सकते हो गाइस
अंदर से घर काफ़ी लग्जरी दिख रहा है और काफ़ी ग्रीनरी ऊपर लगाई गई है। मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके आप सभी को। नीचे वाले फ्लोर पे अजय कुमार जी रहते हैं, बाकी उधर तीसरे फ्लोर पे ऋतिक रोशन जी रहते हैं, देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, जल्द मिलते हैं मुंबई के किसी नए एक्टर के घर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।